अस्सलामुअलैकुम, खुशखबरी है तमाम गोल्डन मिस्री फार्मर्स और रेट के शौकीन हजरात के लिए कि गोल्डन मिस्री और सिल्वर गोल्डन का रेट तकरीबन मार्केट के अंदर एक दिन के चूजे का 4 से 5 रुपए तक नीचे आ चुका है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में रेट की मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बुकिंग का तरीकाकार क्या है और एडवांस कितने परसेंट है और बाद में कीमत आपने कितने परसेंट पे करनी है, तो नए बंदों के लिए तमाम डिटेल आज की वीडियो में फ्राहम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद फार्मिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक लेकर आएंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों के साथ रेट शेयर कर दूं, फिर इसके कम होने की वजह पर बात करेंगे। तो गोल्डन मिस्री का जो आज का रेट है मिक्स चूजे का वो 18 रुपए है और सिल्वर गोल्डन का 20 रुपए है। ये मैंने आपको मिक्स चूजों के रेट बताए हैं। मिक्स का मतलब ये है कि इसमें 50% मेल होगा और 50% फीमेल होगी। लेकिन अगर कोई भाई सिर्फ मुर्गा खरीदना चाहता है, सिर्फ मेल खरीदना चाहता है, तो उसका रेट मिक्स से भी 1-2 रुपए कम होता है। और अगर जो सिर्फ मुर्गी खरीदना चाहता है, फीमेल खरीदना चाहता है, तो मिक्स का रेट से उसका रेट तकरीबन 5 से 7 रुपए तक ज्यादा होता है। तो ये बात आप लाजमी जहन में रखिएगा, जहां से भी आपने खरीदारी करनी हो इस चीज को लाजमी जहन में रखिएगा। अब थोड़ी सी वजह पर बात करते हैं कि गोल्डन मिस्री और सिल्वर गोल्डन का रेट कम क्यों हुआ है मार्केट के अंदर। तो इसकी जो बेसिक वजह है वो बड़ी ईद है कि बड़ी ईद की वजह से काफी दोस्तों ने अपना फ्लॉक जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। कि जिन दोस्तों ने अभी एक दिन का फ्लॉक चूजे का डालना था वो आगे ले गए हैं ईद से 1 हफ्ता बाद या 2 हफ्ते बाद तक, उन्होंने अपने फार्म की तैयारी नहीं की। तो इसी वजह से जो चूजा ऑलरेडी हैचरी में मौजूद था, अंडे हैचरी में लगे हुए थे, तो उन अंडों से जब हैच निकलेगा तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना चूजा सेल करना है। तो जब आगे से फार्मर लेगा नहीं तो उनको हैचरी के अंदर चूजा रखना महंगा पड़ता है। इसी वजह से वो अपना मार्जिन कम करके चूजा जो है वो आगे सेल करते हैं। अब इसमें एक और उभरता हुआ जो इशू आ रहा है वो ये है कि हैचरी वाले बुकिंग नहीं पकड़ रहे, क्योंकि जो भी फार्मर अब बुक करवा रहा है वो ईद के बाद की बुकिंग करवा रहा है, 1 हफ्ता बाद ईद के या 1.5 हफ्ता बाद। तो अभी रेट कम है, चूंकि अभी जिस रेट में बुकिंग होगी उसी रेट में हैचरी वालों को आगे चूजा डिलीवर करना पड़ेगा, तो वो अभी बुकिंग नहीं पकड़ रहे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी कम रेट में बुकिंग पकड़ेंगे उल्टा हमें नुकसान होगा। तो अभी कुछ हैचरी वाले ये भी कर रहे हैं कि 5 से 7 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, किसी भी फार्मर की कोई बुकिंग नहीं ले रहे। ईद के बाद जब रेट दोबारा मार्केट के अंदर स्टेबल होंगे तो कुछ हैचरीज वाले उस टाइम जो है वो बुकिंग लेंगे। बाकी मैं आप दोस्तों के साथ बुकिंग का तरीकाकार शेयर कर देता हूँ। हर हैचरी वाले का एक अपना बुकिंग का तरीकाकार है, अपने रूल हैं। तो बुकिंग का तरीकाकार ये है कि कम से कम 1000 या 1500 चूजे की बुकिंग ली जाती है और उसके बाद जितना भी आपका चूज़ा होगा उसका तकरीबन 2% या 3% ये एडवांस टोकन की सूरत में आपने पे करना है, इजी पैसा या जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में, जो भी आपको मुनासिब लगे। ये चूज़ों के हिसाब से आपकी 2% या 3% बुकिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1500 चूज़ा है तो तकरीबन 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक आपका सिर्फ एडवांस होगा, बाकी सारी पेमेंट आपने फार्म पर करनी है जब चूज़ा आपको डिलीवर होगा। जब गाड़ी से आप चूज़ा उतारेंगे, अपनी उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसको गिनेंगे, सारा कुछ चेक करके फिर आपने बाकी पेमेंट गाड़ी वाले को ही पे करनी है। तो ये फार्मर्स के एतबार के लिए है कि जो दोस्त पहली दफा काम कर रहे हैं, बुकिंग करवा रहे हैं, उनको ये ना हो कि हमने सारी पेमेंट पे कर दी है, पता नहीं चूजा हमें आना है या नहीं आना या किस तरह का आना है। तो ये सहूलत उन दोस्तों के लिए बेसिकली अप्लाई की गई है। और तमाम जो भी बंदा बुकिंग करवाता है उसका यही तरीकाकार है कि 2-3% एडवांस है, बाकी सारी पेमेंट आपने फार्म के ऊपर अपने पे करनी है जब चूजा आएगा। एक और बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, काफी दोस्त पूछते हैं कि जो मिक्स गोल्डन मिस्री का रेट होता है इसमें मेल और फीमेल की रेशो कितनी होती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 50-50% जो है वो इसकी रेशो होती है, मेल 50% होगा, 50% फीमेल होगी। बाज़ औक़ात सेक्सिंग के दौरान थोड़ा बहुत जो है वो 1-2% ऊंच नीच हो जाती है, कभी फीमेल ज़्यादा 2-3% हो जाती है, कभी मेल ज़्यादा 2-3% हो जाता है। तो मिक्स का मतलब बेसिकली यही होता है कि आधा फीमेल होगा आधा मेल होगा जितना भी आपका ऑर्डर होगा उसके अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर रेट की मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर की है, बाकी हैचरी की मुकम्मल डिटेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी मुकम्मल बुकिंग की जो क्राइटेरिया है कि इस हफ्ते में बुकिंग होगी या नहीं होगी, जो भी हिसाब किताब है इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिस दोस्त ने भी बुकिंग करवानी है चूजे की वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, वहां पर आपको मुकम्मल रिप्लाई करके सारी बातों का जवाब दे देंगे। तो आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद अपडेट्स फार्मिंग के मुतल्लिक आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।